आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो खास करके जो अभी बिहार पुलिस या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग आपके इसी यहीं और इसी वीडियो से पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लैप्स किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि लिंगीय सेक्स जो हार्मोन्स स्रावित करती है? तो इसमें जो होगा वो होगा अधिवृक्क ग्रंथियां जो हैं वो सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अधिवृक्क जो ग्रंथियां हैं वो एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और यह एक वृक्क के किस पर, किडनी के ऊपर बाहरी भाग में यह उपस्थित होती है और ये दो भागों में विभाजित होती है, अधिवृक्क। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि लैक्टेशंस हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? तो यह लैक्टेशंस का हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो गर्भनाल से होता है। लैक्टेशंस हार्मोन्स का स्राव पीयूष ग्रंथि करती है जो स्तन ग्रंथि की दुग्ध स्रावित करने हेतु उत्प्रेरित करती है। यह प्रक्रिया हाइपोथैलेमस से प्रारंभ होती है जो पीयूष ग्रंथि का ऑक्टीसोन स्रावित करने हेतु संकेत भेजता है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो उपस्थित होती है वो मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित करती है? तो ये याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है वह हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर केंद्र जो भूख, जल और संतुलन तापमान नियंत्रण करता है वह हाइपोथैलेमस होता है। और मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करता है? तो यहाँ पे ये होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों हैं? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि है जिसे मटर के दाने की आकृति की होती है। यह मानव शरीर का की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावित ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अग्नाशय है। अस्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह कौन सी है? तो यह यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात किया जाए तो यह आपके यकृत हैं। यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ी जो है वह ग्रंथि है। और नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर ग्रंथि की बात किया जाए तो ये थायराइड है। अगर मिश्रित की बात किया जाए तो अग्नाशय है। हमारे शरीर की वैसे ग्रंथि की बात किया जाए सबसे बड़ी तो यह आपके यकृत हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? तो ये आपका थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में पाई जाती है। थायराइड जो ग्रंथि है वो सुचारू रूप से कार्य करने हेतु किस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण करती है? KIO3 के रूप में, जैसे हम सोडियम क्लोराइड एवं पोटासियम आयोडाइड के मिश्रण को आयोडीन लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने किया था? AF बेंटिंग ने 1932 में किया था। हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाली जो प्रोटीन का उदाहरण है वह कौन सा है? ऑक्सीटोसिन इसमें से कौन सा है? ट्रिप्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, कैरोटीन है या केसिन है? तो ऑक्सीटोसिन है। एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने हेतु कौन सा रसायन जो है वह उत्तरदायी होते हैं? तो इसका नाम, रसायन का नाम है फेरोमोन। फेरोमोन एक रासायनिक पदार्थ है जो जंतु दूसरे जंतु को आकर्षित करने हेतु वातावरण में स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में जो हार्मोन स्रावित होती है उसका नाम क्या है? एड्रेनेलिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है?
तो इसमें पुरुष सेक्स हार्मोन अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तत्कालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रिनेल को कहा जाता है, जो शरीर को डर, लड़ाई, तनाव, शंकित होने के लिए प्रतिक्रिया करती है। किस हार्मोन का स्राव पित्तपिंड कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों में अंडाशय में डिंब के निर्माण के दौरान पुक का संश्लेषण होता है। वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होती है। और कब्र विकार या गेब विकार किसकी वजह से होती है, थायराइड के अति श्राव से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में पेप्सिन का प्रभाव श्राव कौन सी कोशिका करती है, मेन कोशिका करती है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। यह एंजाइम आमाशय मेन कोशिका से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायियों में ग्राही या सेंस ग्रंथि संबंधित है, ये आपका ताप संतुलन से। ग्राही या सेंस ग्रंथि ताप संतुलन से संबंधित है। ग्राही कोशिकाएं एक प्रकार की विशेष कोशिकाएं हैं जो वातावरण में होने वाली परिवर्तनों का पता लगाती है। मनुष्य के ग्रीवा में एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है, ये आपका थायराइड मज्जा को कहा जाता है, थायराइड मज्जा को कहा जाता है। एक्जिमा एक मासिक धर्म चक्र जो होती है वह अवधि में कुल कितनी बार परिपक्व होती है, ये आपका एक बार होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में किसकी कमी से ग्वाइटर की बीमारी होती है, ये आपको आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से कौन से रोग होता है, घेंघा रोग होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक उपयोगी होता है थायराइड ग्रंथि की क्रिया हेतु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर का रंगत प्रदान करता है, ये आपका मेलानिन है। आपके त्वचा या बालों का जो रंग प्रदान करता है, ये आपका मेलानिन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एटीसी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। मधुमेह किस हार्मोन्स के अल्प स्राव से होता है, तो इंसुलिन के कम बहने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, चमगादड़ एवं डॉल्फिन अपने शिकार के को पकड़ने के लिए शिकारी तथा बाधाओं से बचने हेतु किस प्रणाली का उपयोग करता है, इको लोकेशन सोनार प्रणाली की तरह ही कार्य करती है। चमगादड़ उड़ते समय ध्वनि उत्पन्न करता है तथा वातावरण से वापस लौटती ध्वनियों के उत्पन्न इकोज से वह सोनिक नक्शा तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से स्विम ब्लडर अनुपस्थित होता है या आपको कार्टिलेजियस मछली से। द्विलिंगी जंतु जिसमें क्रॉस निषेचन होता है या आपको केचुआ में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, कबूतर दूध या पिगन मिल्क का उत्पादन कहाँ होता है, ये आपका क्रॉप में होता है। वह पदार्थ जो जीवित प्राणियों में प्रवेश कर एंटीबॉडीज के उत्पादन हेतु उत्तरदायी होता है, ये आपका एंटीजन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, अवग्रह वृहदान्त किसका भाग है, ये आपका बड़ी आंत का भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है, ये आपका अधिवृक्क है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है, ये आपका यकृत है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये आपका पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर के आँखों की अंधेरे
अंधेरे में देखने योग्य बनाने हेतु जिसे बैगनी रंजक का उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? रेटी नेन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अवशिष्ट वसा एवं अपचयी पदार्थों का निष्कासित करता है? यह आपको ब्रिक किडनी के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, ये आपका मस्तिष्क के तल पर उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि एक मटर के दाने की आकृति की होती है जो मस्तिष्क के तले पर नाक के संधि पर अवस्थित होती है। आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होती है? यह आपका आँख की पुतली आइरिस में उपस्थित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स एक प्रकार का प्रोटीन्स है। एंजाइम्स प्रोटीन है। सभी एंजाइम्स जैविक उत्प्रेरक है जो रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि कराते हैं और इसका पीएच तथा पदार्थों एंजाइम्स एवं इसके क्रियाएं तापमान पीएच तथा पदार्थों पर आधारित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी है? तो ये आपका अग्नाशय है। डाइस्टेज एंजाइम का स्राव स्थल कौन सा है? यह आपका लार ग्रंथियां है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रक्त दाब नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि जो है वह उत्तरदायी होती है? तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की विशेषता किसके लिए आवश्यक है? सेक्स जनपद के सामान्य कार्य के लिए विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है या वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा ADEK ये जो है वो वसा में घुलनशील है। बी और सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाणु में हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है जिनमें कोशिकाओं के तरह हार्मोन्स नहीं होते। पृथ्वी पर जीवाणु का ही प्रथम उद्भव हुआ था। मनुष्यों में त्वचा का रंग कौन उत्पन्न करता है? मेलानिन जो है वह उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो मनुष्य के लार में एमालाइज जो है वह उपस्थित होती है। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। लार बहुत सारे यौगिकों से मिलकर बना होता है जिसमें एमाइलेज भी उपस्थित होते हैं जो स्टार्च को तोड़कर माल्टोज तथा ग्लूकोज में रूपांतरित कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? तो यह आपको यकृत जो है वो पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। यकृत कशेरुकीय प्राणियों के उदर गुहा में उपस्थित होता है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत किसी भी तरह एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। यह पित्ताशय की वी रूबिन तथा वील डार्विन कोशिकाओं में स्रावित कर पित्त रस का भंडारण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। ट्रिप्सिन का श्रावण अग्नाशय द्वारा होता है। यह प्रोटीन को तोड़कर अमीनो अम्ल में संश्लेषण करता है। ट्रिप्सिन पेप्टोन्स बंधन को तोड़ता है। इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है या जिंक उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में जो है वह साबित होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एड्रेनाइलिन। क्या नाम था? एड्रेनाइलिन। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा रंग या फिर काला रंग ये सब सारे जो हैं उपस्थित होती है आइरिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की परत जल से अमेद्य बनाता है? तो त्वचा की परत को जल से अमेद्य ये बनाती है कैरोटीन। कैरोटीन एक तंतु प्रोटीन संरचना है जो उपकला कोशिकाओं की क्षति होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाएगा? और
से का जनन, ठीक है, जहाज की गति के प्रभाव में होने वाला सी सिकनेस किसको प्रभावित करता है? आंतरिक कर्ण को यह प्रभावित करता है। धूल के प्रवेश करने से आँखों का कौन सा भाग जल एवं सूज जाता है? ये आपका कॉन्जुनिटिवा, ये जो है वो सूज जाता है। निम्नलिखित में से कौन केवल स्त्रियों में पाया जाता है? ये आपका अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय स्त्री जनन तंत्र का भाग है जो उदर गुहा के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान को संतुलित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? यह आपका मस्तिष्क में अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन किस ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित रखते हैं? यह आपका अस्तन ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ा के आवरण को हम क्या कहते हैं? फेफड़ा के आवरण को हम प्यूल्यूरा कहते हैं। ये दो आवरण परतों का बना होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। यह श्वसन के दौरान फेफड़ों को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचक रस में कौन सा अम्ल होगा? यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचालन करता है? यह आपका यकृत है जो ग्लाइकोजन को संचयन करता है और एक बहुसैकेराइड इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है वह इंसुलिन की स्राव करती है? यह आपका बीटा कोशिका जो है वो स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? यह आपका अमाशय एक ग्रंथि नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। उपापचन संबंधित है किससे संबंधित है? यह आपका जैव अणु के संश्लेषण व टूटने से संबंधित है। एलोजोम्स जो है वह है क्या है? सेक्स गुणसूत्र है। एक सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? यह आपका 46 होते हैं। 23 जोड़ी होती है। 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं जो सब में बराबर होती है और 23वां जोड़ी गुणसूत्र एलोजोम लैंगिक कहलाती है। XX या XY कहलाती है जिसमें XX है वो गर्ल्स और XY जो होते हैं वो वाइज होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। एमनियोसेंटिस एक विधि है, क्या विधि है भाई? भ्रूणीय स्वास्थ्य अवस्था की जांच का। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हृदय गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन है? थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है जो हृदय गतियों को उत्तेजित करती है। मानव शरीर से दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह आपका बड़ी आंत। मानव से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दूसरी? तो मानव दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात किया जाए तो अग्नाशय है, सॉरी ये होगा अग्नाशय है, जिसकी लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो बाह्य और अंतःस्रावण हार्मोन दोनों तरह के हार्मोन्स का स्रावण करता है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से थायराइड ग्रंथि से में खराबी आ जाती है? ये आपको आयोडीन की कमी किसके कारण? शुद्ध क्रिस्टलीकरण पदार्थ एंजाइम कौन सा होता है? यह आपका यूरेएज होता है। विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? इसके अंतर्भाग आरएनए होता है। नहीं, विषाणु में आरएनए नहीं होता है। मतलब कह रहा है कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है, तो यही होगा, इसमें होता है।
जीवाणु को बीमार कर देता है, जीवाणुओं को ही बीमार थोड़ी करता है, एंटीबायोटिक का उत्पादन नहीं करते हैं, गलत है ये सब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज से बाहर बदलकर रक्त को शुद्धिकरण करता है, ये आपको बार बार मैंने रिपीट कराया, ये आपका यकृत है। हार्मोन्स एक प्रकार के क्या हैं, तो हार्मोन्स एक प्रकार का इसमें से कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन है। हृदय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन क्या क्या है, थायरोक्सिन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। निम्नलिखित में से दिए गए किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है, ये आपका बीटा कोशिकाओं से होती है। निम्नलिखित में से दिए गए किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, ये आपका पीयूष ग्रंथि से श्रावण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस औषधियों द्वारा पेशीय दर्द को दूर किया जा सकता है, तो एनालाइजेलेसिक से। जीवन की वह अवस्था जब शरीर जनन परिपक्वता हेतु विकसित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो यह आपका किशोरावस्था कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। न्यूरॉन शरीर के किस तंत्र का भाग है, तो ये आपका तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो और कुछ क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क के पास होती है। सिनेप्स गैप्स किन के दो बीच होते हैं, दो न्यूरॉनों के बीच होते हैं। अगले क्वेश्चंस हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स इसमें से नहीं है। देखिए ऑक्सिन जो है, थायरोक्सिन जो है, वो मनुष्य में होता है इसलिए यह नहीं है। बाकी सारे पादप हार्मोन्स है, जिब्रेलिन, साइटोकिन और ऑक्सिन था। इसके बाद थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है, यह आपका थाइमोसिन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का जो है वो हार्मोन्स है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स है, ये आपको बताना है। तो देखो हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन तो है ही हार्मोन्स, उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन ये भी हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये स्त्री में हार्मोन्स होती है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ग में एड्रेनालिन को रखा जाता है, रखा जाएगा, तो ये आपका हार्मोन्स में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन देखा, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और बढ़िया से देख करके अपने कॉपी में नोट कर लें ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।